नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शौकीन पतंगबाज में। हेलो, नमस्कार भैया, कैसे हो? नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया भैया। तो अभी जैसे सीजन आ रहा भैया, तो अभी अपन को क्या नया देखने को मिलेगा भैया? ये अभी कुछ एक दिनों से काफ़ी हॉट डिमांड में थी, 9 तार की 3 रील और 6 रील लच्छी पर है, यूनिस इकबाल जी की। अच्छा, तो आज हमें यूनिस इकबाल जी का कार्टून अगेन देखने को मिल रहा है। हाँ, 4 कार्टून है, मैं चारों का आज ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, काफी बल्क में स्टॉक आया अपने पास में। हाँ, थोड़ा सा पेंडिंग था, बारिशों की वजह से डिले हो रहा था, और कुछ एक मेरे दुकानदार हैं जो अपने गुजरात के भी हैं और अपने यहाँ पे कोटा के हैं, बीकानेर के हैं, इनको भी थोड़ा सा देना था। बीकानेर वालों को तो 1-2-3 देना है लच्छी पे, बाकी जो कोटा के हैं और अपने आसपास जैसे जयपुर का भी अभी सीज़न आने वाला है, तो उन दुकानदारों को मुझे देना था। तो उनका यही था कि हमें लच्छी पे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ एक दिन में आ जाएगा। तो फाइनली आज मॉर्निंग में आया था, तो मैं आपको इसकी दिखाता हूँ 3 रील पे जो चीज़ है, और ये लेटेस्ट ही बना हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी पुराना है। ठीक है, और ये सारा स्टॉक अभी जो बरसात के जो अभी हमने देखा था, वहाँ पानी भर गया था, उस वजह से रुका हुआ था सारा स्टॉक। हाँ, उस वजह से रुका हुआ था। कुछ तैयार हो गया था, कुछ हमने इसलिए रोक रखा था ताकि ना, जैसे कई बार क्या होता है, कार्टून कहीं से गीला हो जाता है ना, तो इफेक्ट डालता है, हल्का सा ऊपर से भी हो जाता है, तो वो चीज़ एक कस्टमर को समझ नहीं आती, बोला चिपक के हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन की डिमांड पे यहाँ पे 3 रील पे कंप्लीट स्टॉक मंगाया गया है। ये 6 रील की चरखी पे बना हुआ है, जो अपने 1-2-3 की 6 रील की चरखी आती ना, उस पे 9 तार 6 रील 3 रील है, और काफी सुंदर कलर है भैया। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, और क्वालिटी वाइज आप देखेंगे, और जो आप इसमें एक सबसे बढ़िया चीज आपको ये दिखेगी कि सिमेट्री दिखेगी आपको डोर में। ये देखिए आप कितनी बेहतरीन सिमेट्री है। तो ये जो काम होता है, ये बहुत ही पेशेंस के साथ होता है, और बहुत तजुर्बे वाले इंसान ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं। हर किसी से 9 तार 12 तार पे काम कराना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए, जैसे आप 1-2-3 में आपको मिलता है ना स्मूथनेस, गोलदार, वो चीज़ इसमें डेवलप की गई है। तो ये चीज़ है, अब इसको मेरे हिसाब से खोलने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो काम है वो अपने आप में ही दिख रहा है कि क्या अंजाम दिया गया है। और इसमें एक आध अगर गहरा कलर देखना चाहे तो वो भी देख लेते हैं। तो ये पूरा कार्टून आपका इसी से ही है, गहरे में एक ग्रे कलर है, और एक बार दिखाना चाहिए कितना बल्क में स्टॉक है यहाँ पे 3 रील में। वो भी ये अभी रेगुलर, हाँ अभी रेगुलर जो शॉपकीपर्स की भी खूब डिमांड रहती है, तो सबको मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा करके उनके, जैसे कईयों को चाहिए होता है ना कि भाई ये वैरायटी भी हो गई, फिर अपने असीन लल्ला जी की वैरायटी भी हो गई, YKC की भी हो गई, बशीर भाई की भी हो गई, और अपने फरीद भाई की भी हो गई, बरेली लॉ एंड ड्रैगन, ये जो है ये देखिए, ये और एक डार्क कॉम्बिनेशन आता हो, डार्क कॉम्बिनेशन, और देन आफ्टर आपको गोल्डन चरखी पे इसका लुक एक अलग ही निकल के आ रहा है, एक ऑर्नामेंट के तरह एकदम जी। और ये स्पेशल चरखी बनी हुई है 6 रील पे, उस पे काम हो गया है, तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग पार्ट कितना बढ़िया है। और इधर से आप यहाँ देखिए कि 9 तार 5.5 3 रील, और क्वालिटी के साथ आप इसका जब आपके हाथ में आएगी तो आप इसका वजन भी देखिएगा, आपको छूते ही पता चल जाएगा कि क्या बेहतरीन क्वालिटी इन्होंने डाल रखी है, काफी बेहतरीन। ठीक है, इसमें एक कलर और मुझे अच्छा लगा था, ऑरेंज सा कलर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो एक 9 कॉर्ड का आप सेगमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। ये सारे हमारे 1-2-3 हैं, 9 कॉर्ड है, ये 9 कॉर्ड है, नाइन ये, हाँ ये देखिए ऑरेंज, एक सिंदूरी कलर या ऑरेंज शेड में दिख रहा है, ये देखिए फिनिशिंग ऑलमोस्ट रेडी है, गाजरी कलर है, थोड़ा सा हॉट फेवरेट कलर है लोगों का ये, और लच्छी 307 पे, ये फिनिशिंग आपको इसी समय मिल पाएगी। आगे अगर दिसंबर में आप सोचें तो स्टॉक शायद हो या ना हो, तो कोशिश ये करें कि ये जो स्टॉक है आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको आज नहीं तो दिवाली बाद ख़रीदना तो है ही, तो अगर शॉपकीपर्स के पास ज़्यादा चला जाता है तो हमारे पास भी यहाँ पे नहीं बच पाता। तो ये चरखी देखिए पूरे गोलदार पे है, और काम एकदम परफेक्ट है इसका। तो जिन भी भाइयों को चाहिए कुछ कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन भी दिखा देते हैं, मैं आपको जो इनके स्पेस है उसके बीच में से ही कलर कॉम्बिनेशन थोड़े बहुत दिखा देता हूँ, ताकि एक ही वीडियो में कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि कौन कौन से कलर हैं। और यहाँ पे भैया दूसरा कलर, हाँ भैया इसमें से थोड़ा सा कलर को आप पास से दिखा दीजिए, ये देखिए ये एकदम लाइट ऑरेंज दिख रहा होगा,
ठीक है, लाइट ऑरेंज, उसके बाद लाइट पर्पल, कुछ लोगों को ये पिंक शेड में दिखेगा पर ये लाइट पर्पल है। ओके, कलर काफी सुंदर लग रहा है मौसम के साथ। ये ऑरेंज, एक अपन ने जो खोला था गाजरी कलर था, ये देखिए ये क्रीम कलर है, एक ये डार्क ऑरेंज है और एक ये लाइट ऑरेंज है। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि किसी भाई को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है इस वीडियो के। और ये भी दिक्कत की बात ही है कि जो कलर दिखा रहे हैं भैया सारे काफी मल्टी कलर में काफी अच्छे सुंदर कलर लगाए। ये तो पिंक वाला खोला ही था और देन आफ्टर ये ग्रे कलर है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अब इतने सारे में से है ना कलर एकदम से पता नहीं चलता, किसी भाई को अगर ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको काफ़ी सारा स्टॉक, ये ब्लैक कलर ही है, अब शायद रिपीट होना चालू हो जाएंगे तो रिपीट कलर नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए एकदम लाइट ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, ये आपका रेड कलर और साथ में लाइट पर्पल या पिंक बोल सकते हैं इसको। ये कलर शायद रिपीट होता है, ये देखिए ये वाइट क्रीम सा कलर है, पूरा प्रॉपर वाइट नहीं बोल सकते, क्रीम सा है, प्रॉपर वाइट थोड़ा बनाना भी मुश्किल है, मटेरियल मिलते हैं तो हल्का सा वो क्रीम शेड में या येलो शेड में चला जाता है। ये आपका कबूतरी डार्क ग्रे कलर है, ये लाइट पर्पल, ये रिपीट हो गया। ये जैसे एक साथ 12 रील तनते हैं तो उस हिसाब से ये चार चार चर के हर कलर की निकलेंगी। ब्लैक इसमें है अच्छा खासे और ये रेड कलर है, देन आफ्टर आपका ये देखिए वाइट में एकदम लाइट पिंक है, ये देखिए पिंक कलर, रानी कलर कहा जाता है, रानी पिंक कलर है। एक जो लाइट पर्पल था वो रोज कलर जैसा होता ना लाइट, और ये आपका पूरा पिंक, डार्क पिंक हो गया, ब्लैक हो गया। यहाँ आपको स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं आई, काफी अच्छा स्टॉक है यहाँ पे। ये देखिए ये रिपीट होते हुए, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इनका, डार्क ग्रे कलर और साथ में पिंक कलर की लाइन, ये देखिए ये फिनिशिंग पार्ट होती है जो आपके डोर की जो है ना, गंडे वाली डोर भी कहा जाता है, कई गंडे बोलते हैं, जो बीच में ना ये जो पोल्स के किनारी होती है ना इसको घुमाते हैं फिर इसको करते हैं, तो ये पोल टू पोल की लेंथ तो ग्रे हो गई, और जो पोल पे लगभग आधा मीटर मान लीजिए इतना होता है करीब, तो वो चीज उन्होंने गुलाबी कर दी है। डार्क पिंक कलर है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो एक सिमेट्री भी पता चल रही होगी आपको हल्की सी, ये देखिए आप एक बार थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, ये जो सिमेट्री है डोर में ये चीज़ आपको बता देती है कि कितनी मेहनत करके काम किया जा रहा है। और बाकी अगर नीचे से देखना चाहूँ कुछ वेरिएशन मिलता है तो निकालेंगे वरना नहीं निकालेंगे। ये देखिए ग्रे के साथ पिंक कॉम्बिनेशन और ग्रे के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन के गंडे, तो जिन भी भाइयों को अगर कलर का शौक है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑर्डर कीजिए ताकि हम आपको सेम टू सेम कलर दे दें जो आपको पसंद हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक थोड़ा सा जल्दबाजी में कई बार कलर रह भी जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं। ये देखिए पिंक में रेड कलर के गंडे, तो बाकी ऑलमोस्ट रिपीट होते हुए कलर हैं। ठीक है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट इसमें 6 से 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन था वो दिखा दिए। अब मैं आपको देखता हूँ एक कार्टून इसका और भी है, वरना फिर आपको 1, 2, 3 के 12 रील और 6 रील दिखाता हूँ। इसका सेगमेंट है और कुछ इसमें 12 रील का भी सेगमेंट है, तो आप ये ऊपर से देख सकते हैं कि ये वही 3 रील के सेगमेंट है, चरखी आपकी थोड़ी सी उस पर आ गई है जो होता है ना गोल्डन की जगह सिल्वर है। और भैया लच्छी 307 के साथ में हमें और दूसरा आर्टिकल क्या देखने को मिल रहा है? एक सेकंड, ये 1, 2, 3 की डोर पे है ये चरके। अच्छा, ये 1, 2, 3 की थ्रेड पे है जी। जो लास्ट बॉक्स हमने देखा था वो 9 कॉर्ड पे था। देखिए इनका जैसे ये जो लच्छी 307 है ना, वैसे इनका ये जो लच्छी से पहले का जो रैपर था वो ये वाला रैपर था। अब इस रैपर को देखिए, पुराना रैपर है इनका ये, और ये देखिए एक बार रैपर दिखाएं किस तरह का पुराना रैपर इस टाइप का था पहले, जब ये 999 और 90998 के रैपर लगाते थे। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन 1, 2, 3 90998 और वो भी आपके 6 रील के सेगमेंट पे है।
तो क्वालिटी आपको नज़र आ ही रही होगी, कलर कॉम्बिनेशन आपको पता चल ही रहा होगा, और कलर्स मैं आपको इसमें एक आध और दिखाता हूँ। तो इस डोर को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप यहीं से ही देख लेंगे या थोड़ा सा पास से दिखाएंगे तो आपको इसमें सिमेट्री भी दिख रही है और पूरी गोलदार दिखाई दे रही है। ठीक है, एक आपने ये देख लिया और दूसरा आप ये देखिए, कलर बहुत ही बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन है इसमें। ये देखिए बहुत ही, मतलब अगर ये फंस जाए डोर इस मौसम की तो ये आसानी से कटने का नाम नहीं लेगी, और आप देख सकते हैं 1-2-3 के सेगमेंट पे, और मुझे बहुत पसंद आया ये कलर, ना तो ये ब्राउन है और ना ही ये रानी कलर है। 1-2-3 पे अगेन यही कहना चाहेंगे जो इन आर्टिकल्स की प्राइस है, गौरव भैया से आप एक बार व्हाट्सएप या मैसेज करके आप पूछ लेना। हाँ, थोड़ा सा अभी सीजन का टाइम है तो वेरिएशंस थोड़े लोगों के पास ज़्यादा मिलते हैं, पर ये चीज़ आप अगर यूज़ करेंगे देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है और बहुत ही बारीक, मतलब आप, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो फंसा के पे लड़ा है वो ये चेरिल की चरखी उड़ाए, और जिसको रिजल्ट ना मिले वो मुझे बता दे। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बोल रहा हूँ, आप देखिए ये बारीक पैटर्न की है और ये थोड़े से चढ़े हुए पैटर्न की है, तो चरखियों में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक देखने का नज़रिया भी हो सकता है, और जो शॉपकीपर जो भी आपको मांझा प्रोवाइड करते हैं तो उनके अगर हाथ से होके निकल रहा है तो ये ज़रूर बता देंगे कि किस टाइप की क्वालिटी ये मेंटेन करके प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप एकदम जज कर सकते हैं इस चीज़ को, क्वालिटी को भी और क्वांटिटी भी, वजन से तो दोनों बराबर ही लगेगी, पर ये चढ़ा हुआ पैटर्न है तो ये थोड़ा सा उठ के आएगा, और ये बारीक पैटर्न है तो ये ऐसे आएगा। और बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें, इसमें 6 रील आपके 307 के भी आए हैं, ये देखिए पीछे एक कट्टा और रखा है मैंने पतला, वो भी खोल लो, ये देखिए ये काफ़ी मस्टर्ड कलर आया, सुंदर काफ़ी। हाँ, बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता है आप, ये 307 लच्छी यहाँ से देखिए आप, आपको सीधा पड़ेगा, तो आप ये क्वालिटी देख सकते हैं, सिमेट्री फाइन कलर है। और प्रिपरेशन देखिए इनकी कितनी बढ़िया है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लेबल डाल रखा है लच्छी 307 का। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया चरखियाँ हैं ये, और बहुत अच्छी डोर इनकी लगी हुई है, और ये डोर आपको दिखने में 1-2-3 जैसी लग रही होगी पर ये 8400 की डोर है दोस्तों, ये देखिए। तो आज हम आपको सभी आर्टिकल्स दिखा रहे हैं यूनिस इकबाल जी के 307 भी है, 90998 भी है, और कुछ एक चरखियाँ जो 3 रील पे वो पांडा पे थी 307 पे, और कुछ एक चरखियाँ आपकी जो 1-2-3 की थी वो 90998 की भी हैं, तो आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये एक और 9098 आर्टिकल आता हुआ, बहुत ही बढ़िया काम करा हुआ है, इसको हम आपको जूम करके पूरा अच्छे से दिखाएंगे, आप जितना बारीकी से दिखाना चाहे दिखाइए, सिमेट्री दिखा दीजिए, और अब इस डोर को जो यूज़ करेंगे तब पता चलेगा लोगों को कि मेहनत क्या होती है, जो प्रॉपर तरीके से। हाँ, ये वाला 1-2-3 के सेगमेंट पे, तो आप फिनिशिंग पार्ट आपने देख लिया, और यहाँ से एक आप एंगल भी देख चुके हैं तो बहुत ही बेहतरीन, और ये देखिए ये 307 लच्छी, ये देखिए ये लच्छी पे होगा 307 पर, ये देखिए प्रॉपर जो वर्क है वो आप देख सकते हैं, क्वालिटी जज कर सकते हैं, और बाकी अब कुछ इसमें जो है बोलने को रहा नहीं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि काश ये चरखी हम छू के देख सकते हैं, वैसे मंगाएंगे तो उनको क्वालिटी पता लग ही जाएगी। हाँ, आराम से, जितना क्लोज से हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आपको हर एंगल से वीडियो बना के दिखाएंगे, जितना होगा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो इससे आपको एक जो होता ना कि कहीं से भी आपको लगे कि नहीं इस वीडियो में नहीं दिखा तो दूसरे वीडियो में देखिएगा, एक मेरे चैनल पर भी आता है, एक शौकीन पतंगबाज के नाम से चैनल है जिसका आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एक अपने काइट क्लब के नाम से है शोभित भैया का चैनल है, उन पर भी आप इसका वीडियो का मज़ा ही ले सकते हैं, और जिनके डोर में आएगी उनको असलियत पता चल जाएगी कि ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो डोर है ये मुड़ने का भी नाम नहीं ले रही है, इतनी बेहतरीन तरीके से इस पर लच्छी की गई है। तो दोस्तों ये कारीगरी अगर पैसा मांगती है तो वो पैसा जायज़ है।
आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, मतलब खोला भी नहीं है अभी तो, केवल ऊपर ऊपर की डोर है और ये भी एकदम अक्कड़ में अपनी। तो ज़्यादा इसमें अब नीचे जो है वो नौतार तीन रील के चरखे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहीं पे ही रोक के और कोशिश करते हैं कि एक जो नया हमारे पास आया है कार्टून उसके लिए हम आपको और तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल ये अवेलेबल है और इसमें भी 12 रील के चरखे अवेलेबल हैं। 6-6 में कम बनती है इसलिए मैंने आपको 6-6 का वीडियो करवा दिया। 12 रील दोनों अवेलेबल है, जिस भी शॉपकीपर को चाहिए, जिस भी शौकीन को चाहिए, वो अभी कल परसों सैटरडे संडे आप जब वीडियो अपलोड करेंगे तो थोड़ा डेट मेंशन कर सकते हैं। अभी ये जो बन रहा है ये 6 तारीख को बन रहा है, अक्टूबर को, तो आप समझ सकते हैं कि सैटरडे संडे अगर बीतता है तो थोड़े से स्टॉक की शॉर्टेज होने लग जाती है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कॉल कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें जैसे ये जो 6 रील की चरखियाँ कम है तो मे बी ये सैटरडे संडे में निकल जाएंगी।